किस करके फायदा नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों से शैतान नहीं डरता है। कोई कोई लोग बाइबल लेके सोते हैं, प्रभु जी कुछ फायदा नहीं। कोई कोई लोग बाइबल के पिल्लो के नीचे रखते हैं, और थोड़ा बाइबल मोटा रहेगा तो उनका गर्दन ऐसा हो जाता है। बोले क्या हो गया, बाइबल था ऐसा नीचे। Are you there, church? आप साथ में कलीसिया? So don't try all those religious stuff. ये सब धार्मिक चीजों को आजमाओ मत। You can kiss the Bible. आप बाइबल को चूम सकते हो। You can keep the Bible under the pillow. आप बाइबल को अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हो। It's good. अच्छा है। But अगर more better than that, इससे भी बेहतर जो है, is to read the word of God. वो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, and to follow it, to live the word of God. और उसका पालन करके परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी जीना है। Some people only read the word of God. और कुछ लोग बस वचन को पढ़ते हैं। Try living the word of God. और वचन में जीने की कोशिश करके देखो। Touch somebody and say, abide in the word of God. किसी को छूकर कहे, परमेश्वर के वचन में बने रहो। Come on, somebody say, abide in the word of God. कोई तो आएगा, परमेश्वर के वचन में बने रहो। When your husband has a fight with you, देखिए जब आपका पति आपसे लड़ता है, you don't go and share all your stories with your colleague in the office. You know, my husband is such a rascal, you're so nice. No. जाकर आपके जो ऑफिस में के जो सहकर्मी है उनको जाकर मत बताते फिरो। That's how extramarital affairs are born. इसी तरीके से तो अवैध संबंध जो है शादी के बाहर अवैध संबंध पैदा होते हैं। Hello. Yes. You should say. आपको कहना चाहिए। Should pick up the phone and say. आपको फोन उठाकर कहना है। Hi rascal, how are you? So who's this? Your fellow rascal, your wife calling you. When you have this kind of relationship with your husband and wife, your husband is saying, ये तो आप मेरी पत्नी है। जब इस तरीके का रवैया आप अपने पति पत्नी के लिए रखते हैं तो आपका पति कहेगा तो ये तो मेरी पत्नी है। You will have this, you know, this, come on, how many of you fought with your brother and sister? कितने लोग अपने भाई बहन से लड़े हैं? I don't know about you. आपके बारे में पता नहीं। I fought with my brother, we should tear the shirt and all. और भाई बताते हैं कि ऐसे लड़ा करते थे अपने भाई के साथ कि कपड़े तक फाड़ देते थे। Beat the guy. Then come home. फिर उसके बाद घर में आके। And get beaten by the mummy also. But in the evening. मम्मी से मार पड़ती थी। मगर शाम को। Again we are playing together. फिर साथ में हम खेलने लगते थे। Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बोलो। That's a team, brother. Hallelujah. यही तो एक टीम है। You just forgive. आप बस क्षमा करते हैं। बाजू वाले को बोलो, just do what the word says. अपने पड़ोसी को बोलो, जो वचन कहता है वो करो। And I tell you, वो कहते हैं आपसे, you will be fruitful. आप फलवंत बनोगे। You will be fruitful. यकीन आप फलवंत बनोगे। The spirit of barrenness cannot touch somebody who is in the word. और बांझपन की आत्मा उस व्यक्ति को नहीं छू सकती है जो वचन में बना रहता है। Somebody say, I am fruitful now. कोई तो हाथ उठाकर कहे, मैं फलवंत हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Now go with me to point number 5 and we want to close right now. पांचवें मुद्दे में अब जाएंगे फिर उसके बाद खत्म करेंगे। All right, is this good stuff? ये अच्छी चीज है। Isaiah 54 verse 1. निकाली यशाया की पुस्तक में उसका 54वां अध्याय। Now you're spiritually barren, physically barren, womb is barren, business is barren. Apply these principles to every area of your life. अगर आप आत्मिक रूप में बांझ हैं, अगर आप स्वाभाविक रूप में बांझ हैं, अगर आपका गर्भ बांझ है, अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र में बांझ है, तो इस सिद्धांत को लागू करके देखिए अपनी जिंदगी में। Verse point number 5 and we close. पांचवां मुद्दा फिर खत्म करेंगे। Isaiah 54 verse 1. Please open your Bibles. 54वां अध्याय उसका पहला वचन। See what it says. देखो वचन क्या कहता है। For many years I did not understand this scripture. कई साल से इस आयत को समझ नहीं पाते थे। Could not understand. Maybe you understood, but I did not. शायद आप समझते होंगे। See what it says. देखो वचन क्या कहता है। Sing, O barren. ए बांझ, गा। Anybody will sing? Sing, O barren. हे बांझ, तू गा। You who have not borne children, break forth into singing and cry aloud. You who have not labored with child, that means you have not delivered a child, for more are the children of the barren, of the desolate, than the children of the married woman, says the Lord. I did not understand this. Hey, Banj, tu jo jisne bachche paida nahi kiye, jai jaikar kar aur gana ga. Bachche nahi paida kiye, wo kya kar? Gana gana hai. Hello, kya kar? गाना गा। बोले गाना गा। और तू जिसे प्रसव का दर्द नहीं हुआ, हाँ। गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार। जिसको एक्सपीरियंस नहीं है बच्चा पैदा करने का, जो दर्द है होती है औरत को। हेलो, हाउ मेनी मदर्स ओवर हियर? कितनी माएं हैं यहाँ पर? कम ऑन, यस, आई हैव अ वाइफ, टू चिल्ड्रन, ओके। दैट पेन यू गो थ्रू, और वो दर्द जिसमें सब जाती है, यू नॉट एक्सपीरियंस्ड, यू सिंग। और तुमने अभी तक इसका अनुभव नहीं किया तो गाओ। रीड फर्दर। क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागन के लड़कों से अधिक होंगे। That means
का मतलब the barren woman बांझ महिला who sings जो गाती है will have more children ज्यादा उसके बच्चे होंगे than the married woman शादीशुदा महिला की तुलना में I scratched my head अपने सिर खुजाते थे I said God उन्होंने कहा प्रभु married woman शादीशुदा औरत how can this person who is barren have more children और कैसे ये व्यक्ति जो बांझ है इसके और ज्यादा बच्चे होंगे than the married woman शादीशुदा औरत के तुलना में and you are telling her to sing और आप उसे कह रहे हो गाओ the holy spirit said पवित्र आत्मा ने कहा it's I'm not just talking about physical barrenness और देखिए सिर्फ शारीरिक बांझपन के बारे में ही नहीं बोल रहे I'm talking about spiritual barrenness आत्मिक बांझपन के बारे में बोल रहे हैं listen सुनो I said lord what are you saying और इन्होंने कहा प्रभु आप क्या कह रहे हैं कहना चाहते हैं said son प्रभु ने कहा बेटे there is a spirit of barrenness that torments people whatever they do you know famine everyone say famine और सब लोग क्या अकाल अकाल spirit of barrenness अकाल जो है ये बांझपन की आत्मा है are you with me church क्या आप साथ में हैं कलीसिया ऐसे नहीं कि लोग काम नहीं करते ऐसे नहीं कि लोग आलसी हैं कोई कोई लोग बहुत मेहनती हैं लोग फिर भी वो यश नहीं पाते There's a spirit of poverty. There's a spirit of barrenness. ये बांझपन की आत्मा है. Are you with me, church? आप साथ में हैं कलीसिया. And what God is saying? और परमेश्वर क्या कह रहा है? Worship. आराधना करो. Singing. गाना. Is worship. यह है आराधना करना. Sing, O barren. गाओ बांझ. Worship, O barren. हे बांझ आराधना कर. What happens when you worship? क्या होता है जब आप आराधना करते हैं? Go to Revelation 22 verse 1 quickly. और प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय उसका पहला वचन जल्दी से देखिए. The Bible says in heaven God has a throne. और बाइबल ऐसा कहती है कि स्वर्ग में परमेश्वर का एक सिंहासन है And from under that throne, और उस सिंहासन के नीचे a river flows. एक नदी बहती है a river flows. एक नदी बहती है If you read the book of Ezekiel, अगर ये Ezekiel की पुस्तक में पढ़ेंगे there also that river flows. और वहां पर पाया जाता है कि वो नदी बहती है And the word of God says, और परमेश्वर का वचन कहता है wherever that river flows, और जहां कहीं वो नदी बहती है it brings life. Hallelujah. वहां पर वो जीवन लेकर आती है Somebody say hallelujah. कोई तो कहेगा हालेलुया Tonight, आज की रात, this river is going to flow in this hall tonight. यह नदी जो है इस हॉल में बहने जा रही है आज की रात. Hallelujah. बोलो हालेलुया. Tonight, आज की रात, I prophesy. भविष्यवाणी करते हैं. That river is going to flow in your family tonight. और वह नदी जो है आपके परिवार में बहने जा रही है आज की रात. I'm a man of God. मैं परमेश्वर का जन है. Tonight, that river is going to flow in your relationships, in your business tonight. और आज की रात वह नदी जो है आपके संबंध में आपके व्यवसाय में बहने जा रही है. ना ही मैं शाहरुख खान हूँ, ना ही मैं सलमान हूँ. मैं तो कुछ भी नहीं हूं लेकिन मैं एक जन को जानता हूं वो तुम्हारे इतिहास को बदल सकता है उसका नाम है यीशु हालेलुया कम ऑन somebody चलो कोई तो बोलो प्रेज द लॉर्ड प्रभु स्तुति हो somebody shout hallelujah चिल्लाए हालेलुया listen सुनिए tonight the river will flow आज की रात वो नदी बहेगी that river will flow वो नदी बहेगी you're saying lord nothing is happening in my life और आप कह रहे हैं प्रभु मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा कैसे कह सकता हूं प्रभु मैं अभी अभी रो के आया हूं गिड़गिड़ा के आया हूं लोगों के सामने भीख मांग के आया हूं कि मेरा मत छीनो मेरे पास पैसे नहीं है तुझे देने के लिए मैं कैसे गाऊं मेरे घर में झगड़ा हुआ है बीवी से मारपीट करके आया बीवी ने बोला मैं घर छोड़ के जा रहा हूं कैसे गाऊं मैं God is saying, you are barren. Sing, O barren. Hey, Banj, tu ga. My doctor gave me a report which says you have this sickness. और मेरे डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट थमाया जिसमें ऐसा कहा गया कि मुझे बीमारी हो गई है. Barren. पांच पर. Barren. पांच. You are saying. आप कह रहे हैं. I'm going to lift my hands. और अपने हाथ मैं उठा रही हूँ. And I'm going to touch him. और मैं उसे छूना चाहती हूँ. The Bible says in the book of Isaiah. Bible ऐसा कहती है यशायाह की पुस्तक में. Isaiah saw the Lord high and lifted up, and his veil came in the temple. और देखिए ऐसा कि यशायाह ने देखा कि प्रभु को ऊंचे पर विराजमान और उसके धुएं से वो मंदिर भर गया. हाँ नहीं 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 उसका जो रोब है ना रवि द रोब उसके वस्त्र फैल गए. Was in the temple. That lady touched Jesus's garments tonight you can touch his robe us mahila ne yeshu ke vastra ko chua aaj ki raat aap uske vastra chune ja rahe I am not lying go to if you know the word you will say amen to that God, hey, that aise hi nahi likha hai bible mein ye sab cheez humko man behlane ke liye nahi likha hai kahaniyan chanda mama ye chanda mama nahi hai beta chanda mama hum log chote the na to chanda mama padhte the एक कहानियां नहीं है
ये हकीकत है। बोले बेटा जो उसने किया आज तुझे करना है। कितने लोग करेंगे भाई? That river will flow. वो नदी बहेगी। Say Lord, I worship you. बोलो प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूं। बोले रोने को आता है, रो लो। तुम लोगों के सामने रोते हो ना, आज खुदा के सामने रो लो भाई। स्टाइल मत मारो, रो लो। Say Lord, I worship you. प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं। बाथरूम में क्यों जाके रोते हो? खुदा के प्रेजेंस में रो ना। पिलो पे क्यों रोते हो रात को? क्यों रोते हो? खुदा के सामने रो। Why do you cry with a glass in your hand? Why don't you cry with your hands lifted up? और क्यों अपने हाथ में गिलास लेकर आप रोते हैं? क्यों नहीं आप अपने हाथ उठाते हैं प्रभु की ओर? कोई लोग बेचारे लोग, बुरे लोग नहीं, वो बुरे लोग नहीं है, ग्लास लेकर रोते हैं, ग्लास लेकर रोते हैं। बोले क्या करें, रो रहे हैं वो अंदर से। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आप खराब लोग नहीं है, ग्लास मत लेकर रो, पैसा भी खर्चा होता है। खाली हाथ लो, उसको उठाओ और रोलो प्रभु के सामने। Tonight God will bless you. आज का परमेश्वर आपको आशीष देगा। My dear sister, I want to encourage you. मेरी प्रिय बहन आपको हौसला बढ़ाना चाहते हैं। My dear brother, I want to encourage you. मेरे प्रिय भाई आपको उत्साहित करना चाहते हैं। God is for you. परमेश्वर आपकी ओर है। He wants you to be fruitful. वो चाहता है कि आप फलवंत बनो। Tonight listen to this man of God. आज का परमेश्वर के जन की सुनो। You know, look at Abraham. अब्राहम को देखो। God promised him. परमेश्वर से वादा किया। He said, son Abraham. परमेश्वर ने कहा बेटे अब्राहम। I am God. मैं परमेश्वर हूँ। I am giving you a child. मैं तुम्हें बच्चा दे रहा हूँ। For many years nothing happened. कई साल से कुछ भी नहीं हुआ। Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ। Listen to me. ध्यान से सुनो। What happened? फिर क्या होता है? What did Abraham do? अब्राहम ने क्या किया? I want to finish with this because I believe that every family blessing meeting the word should be strong. और विश्वास करते हैं कि हर एक पारिवारिक आशीष की सभा वचन जो है बिल्कुल सामर्थ्य होना चाहिए। You must go full. आपको पूरी से भर कर जाना चाहिए। Go with me to Romans 4, please. और निकालिए रोमियो के पत्र 4 अध्याय। Romans 4 and I want to close this evening. रोमियो का 4 अध्याय फिर खत्म करेंगे आज की शाम। 4:19. Abraham not being weak in faith. और अब्राहम अपने विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। कमजोर नहीं हुआ कैसे? कमजोर नहीं हुआ प्रभु, ब्रदर आपको बोलने के लिए इतना आसान है, बट व्हेन द डिफिकल्टीज कम आई फील वीक ब्रदर। भाई आपको बोलना बड़ा आसान है, मगर जब मुश्किलें आती हैं तब मुझे कमजोरी महसूस होने लगती है भाई। ही डिड नॉट कंसीडर हिज ओन बॉडी। अपने शरीर पर भी उसने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया किधर? ध्यान दिया खुदा पे ध्यान दिया। ऑलरेडी डेड since he was about 100 years old and the deadness of Sarah's womb, he looked at his wife was barren. और देखिए उसकी उम्र 100 साल तक हो गई थी और ना ही उसने अपने शरीर की मरी हुई दशा और ना ही अपनी पत्नी सारा के गर्भ की मरी हुई दशा पर ध्यान दिया। हेलो आर यू विद मी? क्या आप साथ में हैं? टेल योर नेबर डोंट लुक अराउंड। अपने पड़ोसी को बोलिए आसपास मत देखो। टुनाइट लुक टू योर गॉड। आज की रात परमेश्वर की ओर देखो। टुनाइट लुक टू योर गॉड। आज की परमेश्वर की ओर देखो। डोंट लीव योर हस्बैंड, डोंट लीव योर वाइफ, डोंट लीव योर फैमिली, योर सिचुएशन इज चेंजिंग। अपने पति को अपनी पत्नी को मत छोड़ो, अपने परिवार को मत छोड़ो, आपके हालात बदल रहे हैं। योर सिचुएशन विल चेंज। आपके हालात बदलेंगे। लिख लो verse 20 right now. See verse 20 right now. देखो 20वां वचन। He did not waver at the promise of God. और ना परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर उसने संदेह किया। Waver. You know waver? Shake. Like a, did not waver at the promise of God through unbelief. But how? What did he do? But was strengthened in faith. How? He was strengthened in faith, giving glory to God. That's worship. और देखिए मगर विश्वास में मजबूत होकर उसने परमेश्वर की महिमा की। ये है आराधना। Are you going through a tough time? क्या आप मुश्किल दौर में से जा रहे हैं? Then worship, brother. तो आराधना करो भाई। Worship, sister. बहन आराधना करो। Hello. Many Christians, they pray. देखो अनेकों मसीह लोग प्रार्थना करते हैं। But they don't worship. मगर वे आराधना नहीं करते। Are you with me? क्या आप साथ में हैं? What do you mean, brother Mike? भाई माइकल आपके बोलने का मतलब क्या है? Lord, give me a job. प्रभु मुझे नौकरी दे। Lord, I ask you for a life partner. प्रभु मैं आपसे जीवन साथी मांगता हूँ। Bless my business. मेरे व्यवसाय पर आशीष दो। Bless my children. मेरे बच्चों को आशीष दो। That's prayer. ये है प्रार्थना करना। It's good. ये अच्छा है। But there is a higher level. मगर इससे भी एक ऊंचा स्तर है। There you go and say, Lord. जब आप कहते हैं प्रभु। Thank you for everything. सब कुछ के लिए धन्यवाद। But let me just worship you now. मगर मुझे बस आपकी आराधना करने दो। You are my God. तू मेरा परमेश्वर है। You are my savior. तू मेरा उद्धार करता है। There is none like you. तेरे जैसा कोई भी नहीं। वो बोले बेटा तुझे कुछ शैतान आएगा। बोले तुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? जब खुदा की आराधना करो तो खुदा साथ आता है, सब कुछ आ जाएगा।
Tonight is your night for miracles. Tonight is your night for miracles. आज की रात आपके आशीर्वाद की रात है. Somebody say amen. कोई तो कहेगा amen. I was in Ahmednagar, okay? भाई हाल ही में अहमदनगर में थे. Listen, I was in Ahmednagar. सुनिए. कितने लोग अहमदनगर और उन्होंने कितने लोग अहमदनगर के हैं? नगर बगर डॉन्ड बॉन्ड हाथ उठाओ. कितने लोग आए? कितने लोग हैं अहमदनगर? आए दोन तीन लोग आए थे. Okay. Praise the Lord. कौन-कौन लास्तात? कितने लोग महाराष्ट्र लोग आए? हाथ वर करा जरा. सातारा कोल्हापुर किधर गए? वेयर आर यू? मुंबई का है. कुठून है ब्रदर तुम्ही? सोलापूर. प्रेज द लॉर्ड. मी कोल्हापूरला चाललो आहे तर हा खरंच माय प्रोग्राम गोज टू कोल्हापूर ब्रदर. Listen to me. सुनिए. I was in Ahmednagar. भाई अहमदनगर में थे. On the first day. और पहले दिन. There was a man 35 years. He had mental illness. There's a spirit inside of him. और एक आदमी वहाँ पर आया था. 35 साल से मानसिक रोगी था. एक दुष्ट आत्मा उसमें समाई हुई थी. He used to leave his house and run away. और वो अपने घर को छोड़कर भाग जाया करता था. Beard. पूरी दाढ़ी बड़ी हुई. Leave his house, run away in the night. अपना घर छोड़कर रात में भाग जाता था. That night. उस रात. I told the same thing to Ahmednagar. और यही चीज अहमदनगर ने बताया. टुडे यू आर सिटिंग इन एसी. आज देखो आप एसी में बैठे हो. नो रेन. कोई बारिश नहीं. यू नो व्हेन आई वाज प्रीचिंग. जब भाई प्रचार कर रहे थे. आस्क ओम प्रकाश. ओम प्रकाश से पूछना. इट वाज रेनिंग. बहुत बारिश हो रही थी. नोबडी वाज लीविंग द मगर कोई भी वहां से निकल कर गया नहीं. ड्यूरिंग दैट रेन. बारिश के दौरान. ड्यूरिंग दैट रेन. उस बारिश के दौरान. आई टेल यू. कहते हैं गॉड गेव वर्ड ऑफ नॉलेज. परमेश्वर ने ज्ञान के वचन दिए. देयर इज वन मैन ओवर हियर. एक आदमी है यहां पर. यू आर मेंटली टॉर्मेंटेड. तो मानसिक तौर पे पूरी तरह से सताव में फंसे हुए. यू टेक टैबलेट्स आल्सो. लेते हो आप. Tonight Jesus Christ sets you free. अगर आज की रात यीशु मसीह आपको आजाद कर रहा है. Listen. सुनो. Nobody came that night. उस रात कोई भी आगे नहीं आया. Next night. अगले दिन. The man came. वो आदमी आया. Clean shaven. अपने दाढ़ी. Proper shirt. शेव करा के अच्छे से कपड़े पहन के. अगर कहने लगा. मैं घर आतून पढ़ायचो. मैं घर छोड़ के भागता था. कुठे पढ़ायचो. कहाँ भागा फिरता था. रात्रि. रात को. माझ्या समोर येशू आला. मेरे सामने येशु आए. हालेलुया. Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाए हालेलुया. शर्विन जॉनसन फ्रॉम अंधेरी. इस बच्चे का नाम शर्विन जॉनसन है. अंधेरी से आया है. 14. दिस ब्रदर सेज सिंस ही वाज अनवेल ही वाज अनेबल टू अटेंड स्कूल फॉर 7 डेज. ये कहते हैं कि ये बीमार थे इसलिए 7 दिनों तक ये पाठशाला नहीं जा पाए. नो ही कुड गो फॉर हिज स्कूल ट्रिप. और जो पाठशाला की जो ट्रिप गई थी उसमें भी ये भाग नहीं ले पाए. On the 29th of August 2015, he attended the family blessing meeting. 19 August 2015 के दिन उन्होंने पारिवारिक आशीर्वाद की सभा में भाग लिया. That very day he was burning with fever. और उस दिन इन्हें बहुत ज़्यादा बुखार था. And as Brother Michael laid hands and prayed over him. जैसे भाई माइकल ने इन पर हाथ रखकर प्रार्थना की. After leaving the FBM meeting, he was completely healed. पारिवारिक आशीर्वाद की सभा के बाद ये पूरी तरह से इन्होंने चंगाई पाई. That's God healing, not me. आजकल डेंगू वेंगू के लिए प्रभु क्या क्या करते हैं लोग है ना. प्रभु ऐसा हाथ रखने से हील होता है. जीसस ही करता है सब. God bless you. Go बेटा. The sister's name is Celine Fernandes. इस बहन का नाम Celine Fernandes है. And she says that she had problem in the eye. ये कहती हैं कि इनके आंख में समस्या थी. Celine, where's the eye problem in the life night? Both the eyes, all right, go ahead. दोनों आँखों में इनके समस्या थी. And after that she says that she used to pray using the anointed oil. She used to apply it on her eyes and pray from the diamond prayer booklet. Wow. और ये कहती हैं कि अभिषेक के तेल का प्रयोग ये करती थी इनके दोनों आँखों पर और diamond पुस्तक में जो प्रार्थना दी गई है वो भी ये दोहराती थी. God healed her from that. और परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया उससे. Not only that, she had a fungal infection on the left shoulder. और ये कहती हैं कि बाएं कंधे पर इन्हें इन्फेक्शन भी हुआ था. Again she used the anointed oil and prayed. Wow. And she got healed as well as from that. और ये कहती हैं फिर से इन्होंने अभिषेक के तेल का प्रयोग किया और उससे भी चंगाई पाई इन्होंने. And she says that 2 days back she was feeling as though she's going to have cataract, so she went to the doctor and she got herself checked. और ये कहती हैं कि you got yourself checked from the doctor.
इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मोतीबिंद आया है इनकी आंखों पर, इसलिए ये दो दिन पहले वैद्य के पास गई और जांच पड़ताल की. And she says that before going again, she prayed with anointed oil, and the doctor said there is no cataract, nothing. Bless you. Reports are normal. Oil. That's Jesus. Report. मिलने से पहले वैद्य के पास जाने से पहले इन्होंने अभिषेकित तेल का प्रयोग किया और वैद्य ने कहा कि मोतीबिंद बिल्कुल भी नहीं है. God who heals, God of Bartimaeus, we call upon you. प्रतिमा का परमेश्वर से जब पुकारते हम, इनकी आंखें चंगी हो जाएं. Everybody who's watching me, everybody who's praying with me, Lord, I pray that you touch their eyes also. हर कोई प्रभु जो हमें देख रहे हैं, प्रभु इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनकी आंखें भी छू ले प्रभु. Touch their eyes right now. उनकी आंखें छू ले इस समय. Let eyes be recreated in Jesus' name. आंखें फिर से बनाए जाएं यीशु के नाम में. God's people said, Amen. परमेश्वर लोगों ने कहा आमेन. Bless you, sister. This brother's name is Roydas. इस भाई का नाम रोहिदास है. And pain in the leg, in the back and the legs since 6 months. 6 महीनों से पीठ में और पैरों में दर्द था इन्हें. Yes, and he says that he used to take an injection because of that, just for the pain to injection. Get subsided. Listen to this. Yeah. Today he says during the healing service he called on the name of the Lord and said hallelujah loudly, the pain just left. Wow. और ये कहते हैं कि चंगाई के सत्र के दौरान इन्होंने जोर से हालेलुया कहा और जो दर्द था पूरी तरह से चले गया. That you heal this gentleman, master. Lord, I have not healed him. It is you or tu hi hai prabhu. प्रभु तू ही है प्रभु, तूने चला दिया. Touch him now. इन्हें छू ले अभी. Blessed Holy Spirit. आशीष पवित्र आत्मा. Remove this pain forever from his body. इस दर्द को इनसे हमेशा के लिए दूर कर दे. He sees you in glory. और प्रभु महिमा मिले तुझे. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen.